हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, उसी को आज हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो हमने लास्ट क्लास में बोला था कि हम EWF पढ़ेंगे और फिर राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम EWF देखते थे। EWF क्या है? जो EWF इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% आरक्षण लाने की बात कही गई थी 2019 में, वो पढ़ना है हमें कि वो कैसे लाया गया, उसके लिए मीन्स क्या जो सीमाएं हैं क्या निर्धारित की हैं। तो रिजर्वेशन फॉर EWS हेड ना लीजिए। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात आती है जब इसको कैसे लाया गया है। 103वें संविधान संशोधन से लाया गया है, लिख लीजिए। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से इसको लाया गया है। लाया गया है इसका मतलब क्या है? कैसे? हमने एक दिन डिस्कस किया था कि कोई भी बिल जो है वो अधिनियम कैसे बनेगा। एक दिन हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा या राज्यसभा में पास होगा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब यहाँ तीनों से पास हो जाएगा तब बिल एक्ट बन जाता है, यही पढ़ा था ना हमने। तो ये क्या है? संविधान संशोधन अधिनियम है, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल अधिनियम बन गया है। तो अभी जब हम देखें हमारे संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये 103वां संविधान संशोधन था, ठीक है। आगे बढ़े इसके। अच्छा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे EWS को, तो सीधा सीधा इस तरीके से है कि कहाँ पर उनको आरक्षण दिया जाएगा, रोजगार के क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में। रोजगार और शैक्षणिक क्षेत्र में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। जब इस प्रावधान को किया गया तो हमने जो भी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 पढ़े थे उसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पे जोड़ा गया है इसी संविधान संशोधन अधिनियम से 15(6) और 16(6), ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ से। अच्छा, 15(6) में क्या लिखा हुआ है? 15(6) में लिखा गया है कि राज्य इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पक्ष में कुछ प्रावधान ला सकता है आरक्षण के क्षेत्र में। यही 15(6) में लिखा हुआ है, लिख लीजिए। 15(6) में लिखा हुआ है कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, यानी EWS के लिए, सकारात्मक कार्यवाही कर सकता है। सकारात्मक कार्यवाही अभी समझते हैं क्या होता है। देखिए, सकारात्मक कार्यवाही होता है जैसे कि वही बात है, जैसे आरक्षण जो शब्द है ये सकारात्मक कार्यवाही एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके छोटे पार्ट क्या है? आरक्षण, यानी कि इन पक्षों के, इन लोगों के लिए, इनके पक्ष में कोई सकारात्मक कार्य करना, जैसे कि इसमें आरक्षण भी आ सकता है, इसका ही एक पार्ट होता है आरक्षण। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि जो OBC, SC और ST के लिए आरक्षण की बात की गई थी, कितना टोटल मिला के उनके लिए आरक्षण होना चाहिए? OBC, SC और ST का जो आरक्षण है वो टोटल है 50%। हमने बोला था ना 50 जनरल प्योर कंपटीशन और 50 रिजर्वेशन, इनके अलावा ये 10% आरक्षण की बात की गई है, ठीक है। और ये 10% किन लोगों के लिए होगा? जो प्योर कंपटीशन वाला हिस्सा, जो जिनको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसमें 10% आरक्षण, ठीक है ना। दोनों क्षेत्रों में, रोजगार के क्षेत्र में भी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी। ये 15(6) में हो गया कि राज्य इनके पक्ष में कोई भी प्रावधान ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 16(6) में क्या लिखा हुआ है। 16(6) में लिखा हुआ है कि विभिन्न पदों पर, 16 है संबंधित रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण से, 15 संबंधित है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, पढ़ा था ना, याद है ना, कि 15 किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित है, और आर्टिकल 16 रोजगार,
नियोजन, जिसके लिए एक हमने शब्द पढ़ा था। फिर 16(6) में क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न पदों पर भी उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। विभिन्न पदों पर 10% आरक्षण। अच्छा, जब हमने आर्टिकल 15 में आरक्षण की बात की थी तो ध्यान होगा हमने इंस्टीट्यूशंस दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और अदर। आप थी उस दिन क्लास में, ध्यान है आपको? और हमने क्या पढ़ा था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चाहे वो फंडेड बाय गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन फंडेड हो गवर्नमेंट की तरफ से, वो रिजर्वेशन पॉलिसी चाहे तो लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही प्रावधान रखा गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं में EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ये प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए लागू नहीं हो सकते। वो उनकी अपनी रुचि के संस्थान वो बना सकते हैं, अगर वो चाहें तो लागू कर सकते हैं, बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, किन संस्थाओं के लिए? अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए, जिनकी स्थापना किसी माइनॉरिटी ने की है, किसी माइनॉरिटी ग्रुप की तरफ से हुई है, अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखना है कि ये जो प्रावधान है ये अल्पसंख्यक संस्थानों पर बाध्यकारी नहीं है। आगे बढ़े, इसको अब हमें देखना है कि किनको EWS माना है। ठीक है, संविधान में किसको EWS माना गया है? तो EWS को डिसाइड करने के लिए दो आधार रखे गए हैं। कौन कौन से दो आधार? एक तो है पारिवारिक आय और एक है संपत्ति। ठीक है, तो लिख लीजिए किन आधारों पर डिफाइन किया जाएगा EWS को। इसके लिए प्रावधान किए गए हैं कि यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो उसको माना जाएगा EWS में। ठीक है, तो लिख लीजिए जो पारिवारिक आय प्रतिवर्ष यानी वार्षिक कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है 5 एकड़ से कम की उसकी कृषि भूमि होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड अगर उनके पास है तो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तीसरा है कि घर का आकार 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए। घर का आकार 1000 वर्ग फीट से कम। इन आधारों पर माना जाएगा कि किसी व्यक्ति को EWS में रखा जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, यही प्रावधान है इसमें। फिर बाद में फिर सरकार ने बोला है कि राज्य भी अपने स्तर पर ये काम कर सकते हैं। ये तो केंद्र के स्तर की बात हो गई है, राज्य भी अपने स्तर पर चाहें तो 10% आरक्षण EWS कैटेगरी को दे सकते हैं। ये हो गया हमारा EWS। आगे बढ़े अब इसके, आ जाते हैं वापस से। नहीं, ये अलग है ना, ये हमने देखिए जब भी कॉम्पिटिशन की बात होती है दो कॉम्पिटिशन होते हैं, तो जनरल और एक होता है रिजर्वेशन कैटेगरी, है ना। रिजर्वेशन कैटेगरी अभी तक तो थी ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता था, ये था जनरल प्योर कॉम्पिटिशन। इनकी बात की गई, इसमें 10% आरक्षण है। इनको नहीं, इनको तो हम पहले ही दे चुके हैं, इनको जैसा था वैसे ही देना है। इनको वैसा ही वैसा रहेगा। इस जनरल का जो 50% था उसमें से 10% लिया है। हाँ, 10% ये लोग आ जाएंगे। और क्योंकि क्यों हमने इनको जोड़ा है, क्योंकि इनके लिए हमने अभी तक कहीं बातें नहीं की थी कि
हमें इनको भी सुविधा देने की जरूरत है, इनके पक्ष में हमें सकारात्मक कार्यवाही करने की हमें जरूरत है। ये ओबीसी एससी एसटी तो हम पहले ही लेके आ चुके थे, जाति के आधार पर हमने जैसे बात की थी, ये जाति के आधार पर हो गए थे। लेकिन अब क्या है, चीजें बदलने की जरूरत है कि जाति के आधार पर पहले था लेकिन अब आर्थिक आधार पर उसमें हम लेके आ गए EWS के नाम से। तो ये इस प्योर कॉम्पिटिशन में इसको रखा गया है, यहाँ के 10% आरक्षण को दिया जाएगा, ठीक है। और फिर बात कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी बोला गया कि ये अलग रहेगा ये अलग रहेगा, यानी आप ये नहीं बोल सकते कि अब हमने क्या टोटल 60% हमने रिजर्वेशन कर दिया, नहीं, ये 50% ये अलग है ओबीसी एससी एसटी और ये EWS 10% ये अलग है, ठीक है। कोई एक दूसरे में मीन्स ओवरलैप नहीं होती है। आगे बढ़े, स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, समानता के अधिकार हम पढ़ चुके हैं 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 दिया हुआ है समानता के अधिकार। ये हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, आज हम शुरू करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। अच्छा टॉपिक है, इसमें आर्टिकल 21 हम पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी स्वतंत्रताएं जो हमें मिल गई वो सब पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं, राइट टू फ्रीडम, हेडिंग डाल दीजिए नई हेडिंग, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 19, 20, 21 और 22, ठीक है, ये चार हैं। 19 में हमें 6 उपबंध दिए गए हैं, 6 प्रोविजन दिए गए हैं जो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब हमें आर्टिकल 19 में जो 6 उपबंध हम पढ़ेंगे, 19A, 19B, 19A A, 19A B, उसमें अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बीच में क्या है, बीस में है अपराध सिद्धि में संरक्षण, अपराध सिद्धि में संरक्षण, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अपराध सिद्धि में संरक्षण 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये है स्वतंत्रता के अधिकार की आउटलाइन है ये, ठीक है, इसमें फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले 19 से पढ़ना शुरू करेंगे, ये हो गया ना, ये आउटलाइन है, इसको इसके हिसाब से पढ़ेंगे हम। अच्छा 19 में क्या है देख लेते हैं, ठीक है, 19 विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, जैसे 19A A ऐसी है, 19A B, फिर 19A C, D, E, F और G, 7 प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था कि 6 उपबंध किए गए हैं आर्टिकल 19 में, तो इसमें जो एक था 19A F जो था उसमें था संपत्ति का अधिकार, 19A F में था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया था इसको, 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको खत्म किया गया था, हमने इसको पहले भी पढ़ा था, 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको खत्म कर दिया गया है। तो अब कितने उपबंध है 19 में, 6 उपबंध है, ठीक है ना।
पहले सात थे लेकिन इसको खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको खत्म कर दिया गया, ये नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 19(1)(a) क्या कहता है। 19(1)(a) में है राइट टू एक्सप्रेशन, 19(1)(a) में है राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण और निरायुक्त सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण और निरायुक्त, निरायुक्त मतलब आयुध का मतलब समझते हो ना, आयुध मतलब हथियार, निरायुक्त मतलब हथियारों के तहत, शांतिपूर्ण और निरायुक्त सम्मेलन करने का अधिकार। एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार, एसोसिएशन यूनियन। और हमने भाग 9 भी जो हमने आउटलाइन पढ़ी थी भागों की, ये आउटलाइन नहीं, जो हमने आउटलाइन पढ़ी थी तब हमने देखा था कि एक भाग 9 भी जोड़ा गया जो किससे संबंधित था, सहकारी संस्थाओं से संबंधित था, तो वो शब्द भी फिर इसमें डाल देते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी अधिकार। कहाँ से है हमारे पास 19(1)(c) से है, एसोसिएशन यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार। अब हमें देखना है कि जो राइट टू फ्रीडम जो हमारे पास है उस पर लिमिटेशंस कुछ लगाई गई हैं, तो लिमिटेशंस कहाँ पर लिखी हुई हैं पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि स्वतंत्र जो हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं वो लिखी हुई हैं 19(1)(b)(c)(d)(e)(f) और (g), इसमें स्वतंत्रताएँ एफ तो खत्म हो गया है, ठीक है। 19(1)(a) पे जो सीमाएँ लगाई गई हैं वो 19(2) में लिखी हुई, ऐसे इसकी सीमाएं कहाँ लिखी हुई है 19(3) में, यहाँ पे 19(4) में, ये 19(5) में और ये है 19(6) में। ये आर्टिकल है 19(2) में 19(1)(a) से रिलेटेड सीमाएं लिखी हुई है। एक शब्द आता है इसके लिए सीमाओं के लिए संविधान में, शब्द आता है युक्ति युक्त निर्बंधन। क्या शब्द आता है? युक्ति युक्त निर्बंधन। इसका मतलब बहुत अच्छा है अगर समझे हम, और इंग्लिश में शब्द आता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। देखिए इसका मतलब अगर हम समझें कि जो सीमाएं हैं निर्बंधन मतलब रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं वो कैसे हैं, रीजनेबल है, युक्ति युक्त है। अभी हम पढ़ेंगे कि कोई क्या संसद कैसे भी सीमाएं लगा सकती है हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। कैसे सीमाएं लगा सकती है? जो युक्ति युक्त होनी चाहिए, मीन्स सरकार के पास संसद के पास तर्क होने चाहिए, वैलिड तर्क होने चाहिए सीमा लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं अब किसमें क्या सीमाएं हैं। तो 19(1)(a) में की जो सीमाएं हैं वो 19(2) में है, 19(2) में 8 प्रकार की सीमाओं की बात की गई, 8 प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, 19(1)(a) में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमा है 19(2) में, कितनी सीमाएं हैं? 8 प्रकार की सीमाएं हैं। कौन कौन सी है लिख लीजिए। पहली है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा, यानी आप ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं दे सकते जिससे राज्य की सुरक्षा प्रभावित होती हो, ठीक है। समझ में आ रही है ना ये बातें क्या है? फिर से समझते हैं। देखो 19(1)(a) में क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, बोलने के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, भाषण देने के माध्यम से, कोई भी तरीके हो सकते हैं एक्सप्रेस करने के।
तो उसमें जो युक्तियुक्त निर्बंधन जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, 19(2) में लिखे हुए हैं, केवल इसके लिए राइट टू एक्सप्रेशन के लिए। 19(2) में 8 प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। पहला है जिसमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी आप ऐसी कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में आ जाए, ठीक है। दूसरा है मानहानि, डिफेमेशन, मानहानि वाली आप अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं। तीसरा है मोरालिटी के आधार पर, यानी कि जो अनैतिक बात है, नैतिकता, एक इस पर सीमा लगाई है, नैतिकता, यानी अनैतिक बातों के बारे में आप अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। चौथा है न्यायालय की अवमानना, पांचवा है फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, अन्य राष्ट्रों के साथ अगर हमारे किसी अन्य राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तो उसके बारे में आप कोई गलत मीन्स ऐसे अभिव्यक्ति नहीं दे सकते कि हमारे संबंध खराब हो जाएं, ठीक है ना। तो वही लिखना है कि किसी अन्य राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। लोक व्यवस्था जिससे खराब हो रही हो, पब्लिक ऑर्डर को प्रभावित करने वाली आप बातें नहीं बोल सकते हो। लोक व्यवस्था। सातवां है, देखिए सातवां एक शब्द आता है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अपराध के प्रति उद्दीपन। आप ऐसे अभिव्यक्ति नहीं दे सकते जिससे अपराध बढ़ाए, अपराध के लिए उद्दीपन मीन्स जो अपराध को बढ़ाने का काम करें, ऐसे आप अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं। तो लिख लीजिए अपराध के प्रति उद्दीपन। और अंत में आठवां जो है ये बहुत अच्छा शब्द है, ये है राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, भारत की संप्रभुता और अखंडता। भारत की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, ये जो शब्द है संप्रभुता और अखंडता, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में 16वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 16वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो 8 प्रकार की यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ये हमें याद करना होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो ये 8 प्रकार की, ठीक है, ये भी हमें याद करना होगा कौन कौन सी, क्योंकि अभी और हम पढ़ेंगे तो अलग अलग हैं सब में, ये किसकी हम बात करें, केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं 19(1)(b) में मानहानि में थोड़ा सा समझा दीजिए। मानहानि किसी का अपमान करना, डिफेमेशन करना, जैसे आपने देखा होगा मानहानि का केस कर देते हैं किसी की, सार्वजनिक तौर पर किसी का अपमान करना मानहानि, मान सम्मान की हानि केस कर दिया किसी के ऊपर, हाँ, तो उसमें लगा दिया गया कि अगर मानहानि हमारी मान लीजिए 50 लाख रुपए की हुई, हाँ, तो क्या वो व्यक्ति 50 लाख रुपए पे करेगा, हाँ करना पड़ता है, क्योंकि यही है ना कि आप ऐसी एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, बस वही चीज़ है, यही दिए तो केस कर दे, केस कर सकते हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में तो कितने न्यूज़ में आता है कि भाई उन्होंने किसी पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया, नेता लोग तो बोलते रहते हैं, आपने शायद ध्यान दिया हो, काफ़ी बार ये शब्द सुनने को मिलता है मानहानि का केस कर दिया। ऐसे ही है कि हम कैसे अभिव्यक्ति दे सकते हैं, तो अगर हम देखें इसको हम समझें थोड़ा कि हमारे पास कोई भी जो अधिकार है, कोई भी जो स्वतंत्रता है वो असीमित नहीं है, ठीक है ना, असीमित मतलब अनलिमिटेड हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना, जैसे कि भाई कि आप कोई भी भारत के जो टुकड़े करने वाली बात है आप ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, आप ऐसे अभिव्यक्ति नहीं दे सकते जिससे अपराध बढ़े, दंगे बढ़े, आप ऐसे अभिव्यक्ति नहीं दे सकते जिससे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो, दंगे भड़काना, पब्लिक ऑर्डर खराब करना, ठीक है, आप न्यायालय की अवमानना की मैं अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, ठीक है, आप मिस कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, कोर्ट की अवहेलना, निर्णयों की बात अलग होती है, पक्ष में पक्ष का तर्क रखना अलग होता है, लेकिन अवहेलना एक अलग चीज होती है, जैसे कि आप ये नहीं बोल सकते कि न्यायालय ने ऐसा गलत काम किया, अवहेलना मीन्स आप समझ रहे हैं ना, कोर्ट की किसी बात को सार्वजनिक तौर पे
मींस गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करना जिससे उस सम्मान को क्षति पहुंचे, ठीक है। अपमानना, मानहानि, ये चीज़ होती है, सम्मान से रिलेटेड बातें हैं ये सब। ऐसे ही नैतिकता से, नैतिकता वाली बातें आप दे सकते हैं, अनैतिक बातें जो हैं वो आप नहीं दे सकते। बस वही सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो यानी कि अभी आपने ध्यान दिया होगा, कुछ समय पहले बहुत उठाता है ये मुद्दा कि हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन है, तो हम कैसा भी एक्सप्रेशन दे सकते। जब शायद JNU में कन्हैया कुमार का मामला जब आया था तो उन्होंने यही तो सब बातें थी, वो कैसे नारेबाजी हो रही थी वहाँ पे, जो भारत अखंडता की बातें हो रही थी वहाँ पे, अखंडता को तोड़ने की बातें हो रही थी। तो वही चीज़ है कि हमारे पास सीमाएं हैं, हम कहाँ तक हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी बातों को, ठीक है। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं 19 जो बी है, 19(1)(b) है, उसमें क्या अधिकार है हमारे पास, सभा करने का अधिकार। वो भी कैसी सभाएं कर सकते हैं, शांतिपूर्ण और निरायु, शांतिपूर्ण होना चाहिए और निरायु, यानी आयु यानी हथियारों के रहित होनी चाहिए, ठीक है। इसकी सीमाएं कहाँ पर लिखी हुई है, 19(3) में लिखी हुई है कि कैसे और किस तरीके से आप क्या उस पर सीमाएं लगाएंगे। तो केवल दो सीमाएं लगाई गई हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर दो सीमाएं, एक तो है वही पब्लिक ऑर्डर बाधित नहीं होना चाहिए, लोक व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए, और दूसरा है वही भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये भी 16वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है इसमें भी। पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, पब्लिक ऑर्डर तो समझते होंगे ना, जैसे पुलिस का काम है पब्लिक ऑर्डर देखना, है ना। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे अभी जो किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर भंग करने की कोशिश की थी, उनको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, शांतिपूर्ण रैली निकालने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने पब्लिक ऑर्डर को पूरा तहस नहस कर दिया। एक वही है ना कि आप गलत रास्ते से चले गए, फिर आप पुलिस वालों के ऊपर जैसे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, खैर वो तो फिर आप अलग अलग न्यूज़ चैनल में, कभी किसानों के पक्ष में बातें आती हैं, कभी सरकार के पक्ष में बातें आती हैं, अलग होगा वो अपना पर्सनल कौन मुस्तर जाना चाहता है, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, ये आप देख लेते हैं 19(1)(c) में हमारे पास क्या अधिकार है, 19(1)(c) में क्या अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार। इस पर भी सीमाएं जो है वो कहाँ पर लिखी हुई हैं, 19(4) में लिखी हुई है। तो वही सीमा यहाँ पर, एक तो सीमा वही है पब्लिक ऑर्डर कि ऐसे आप सभाएं, ऐसे एसोसिएशन बना सकते हैं जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर बाधित ना हो। दूसरा है मोरालिटी, नैतिकता, और तीसरा है वही संप्रभुता और अखंडता। ये कहाँ से लाया गया है, 16वें संविधान संशोधन से आया ये वाला शब्द। मोरालिटी का मतलब क्या है, नैतिक होनी चाहिए चीज़, आप अनैतिक कार्य ना करो, सभा बना, आप समूह बनाकर आप कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं बना सकते जिसके तले आप कोई अनैतिक कार्य कर रहे हो। अनैतिक कार्य क्या है, जब हम ये व्यवसाय की स्वतंत्रता पढ़ेंगे तब और हमें अच्छे से समझ में आएगा कि अनैतिक का मतलब क्या है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं 19(1)(d) में है फ्री मूवमेंट का स्वतंत्रता, राइट टू फ्री मूवमेंट, और ई में है राइट टू सेटल, ठीक है। इसकी रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर है, 19(5) में है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर दो रेस्ट्रिक्शंस हैं, पहली रेस्ट्रिक्शन है सामान्य जनता के हित में, सामान्य जनता के हित में, और दूसरी रेस्ट्रिक्शन है जनजातीय शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके हित में, यहाँ पर लिख लीजिए शेड्यूल ट्राइब्स ST के। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे हमारे पास राइट टू फ्री मूवमेंट है, ठीक है, राइट टू फ्री मूवमेंट या फ्रीडम टू फ्री मूवमेंट, ठीक है, स्वतंत्रता कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और ई में है कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कहाँ पर, भारत की सीमा के भीतर, ठीक है। अच्छा, इसकी रेस्ट्रिक्शन 19(5) में दी हुई है, क्या रेस्ट्रिक्शन है कि आप कहीं भी घूमिए लेकिन जो आपका विचरण होना चाहिए वो सामान्य जनता जो है उसके खिलाफ ना हो, ठीक है। इसको अगर हम इसको समझेंगे तो हमें ये भी और अच्छे से समझ में आएगा कि आप कहीं भी घूम रहे हैं और वहाँ पर अगर आदिवासी समुदाय
आदिवासी समुदाय या जनजाति जिसको हम बोलते हैं एससी जनजाति जो बोलते हैं, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि जो जनजातियाँ हैं कुछ जनजातियाँ तो ऐसी हैं जो हमारे साथ घुल मिल गई हैं, लेकिन कुछ जनजातियाँ अभी भी ऐसी हैं जो हमसे बहुत अलग है, उनका कल्चर उनका रहन सहन हमसे बहुत अलग है। जैसे कि अगर लक्षद्वीप अंडमान की हम बात करें तो वहाँ ऐसी जनजातियाँ रहती हैं जो हमसे मीन्स बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं कर पाती हैं। तो वही चीज़ कि आप लक्षद्वीप या अंडमान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमको घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं है, हमको भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है उन क्षेत्रों में जाने के लिए। तो वही चीज़ है कि अगर हम जो है हमारा कल्चर अलग है, हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जिनका कल्चर हमसे नहीं मिलता है, तो क्या होगा, जो संस्कृतियाँ मिलेगी घुलेंगी मिलेंगी तो क्या होगा, उससे इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आ पाएंगे। अगर हम वही ना हम किसी आदिवासी को अपने जैसा बनाना चाहें तो इतनी जल्दी नहीं कर सकते ना। जो वहाँ की जो जनजातियाँ वो एक तरीके से उनका कल्चर कैसा है, वो अभी भी जंगलों में रहती है, शिकार करती हैं, वहाँ पर जाके हम उनके साथ रहेंगे तो वो हमें एक तो समझती हैं कि ये हमारे यहाँ घुसपैठी आ गए हैं, तो वो हमले भी करते हैं। आपने सुना होगा कि वहाँ लक्षद्वीप में शायद अंडमान में कुछ एक दो साल पहले मार दिए गए थे कुछ लोग जो वहाँ घूमने गए थे, वहाँ की जनजातियों ने उनको मार दिया था जो साइंटिस्ट थे उनको। तो ये वही है कि जो घूमने फिरने का अधिकार है वो हमारे पास कहाँ तक है, जहाँ पे उनकी जो कल्चर को अगर हम प्रभावित करने लगेंगे तो वहाँ पे हमारे पास अधिकार नहीं है घूमने फिरने का। वही है सामान्य जनता, अगर जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पे उनके कल्चर के हिसाब से रहें, है ना, उनके कल्चर को प्रभावित ना करें, प्रभावित मीन्स इतना ज़्यादा प्रभावित ना कर दें कि वो पूरे बदल जाए या उन पर क्षति हो, उनको हानि पहुँचे। तो ये सीमाएँ हैं, यहाँ पर हित वाली जो शब्द आता है ना, हित में हो, उनके हित में हो, यानी ऐसे हमें कोई भी काम नहीं करने जो उनके खिलाफ हो, उनको नुकसान पहुँचाएं। यहाँ से ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो रही होगी कि जैसे कि जनजातियों की बात की गई है, जैसे समझ रहे हैं ना आप लोग कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि हम ऐसे हम कहीं भी ऐसे जाके बस नहीं सकते जहाँ पर जैसे हम लक्षद्वीप या अंडमान में जाके नहीं बस सकते हैं, क्योंकि उन्हीं बस सकते हैं कि वहाँ की जो आदिवासी हैं उनका कल्चर काफ़ी अलग है हमसे, उनका खान पान बहुत अलग है हमसे, है ना। जैसे कि हम रोज अलग खाना खाते हैं, वो वनस्पति वाले हैं, वो वनस्पतियों पे जीवित रहते हैं, और हम तो मसालेदार भी खाना खाने लगे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जाके वहाँ पर उनको अपना खाना दे देंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इस तरीके से कई प्रकार के इसमें आस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि ये हमने बोला, जैसे कि हम ना आपने ध्यान दिया हो हम जो ये अभयारण्यों में घूमने जाते हैं, है ना, नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हमको मीन्स ह्यूमन इंटरेक्शन एकदम न्यूनतम करने की कोशिश की जाती है कि जानवरों का ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो। जैसे क्या होता है गाड़ियों में हम घूमते हैं तो हमें उतरने की अनुमति नहीं होती है कि आप जंगल में कहीं भी उतर नहीं सकते हैं, किसी भी जानवर को देख के आप उसके पास नहीं जा सकते हैं, मेन तो उतरने की ही अनुमति नहीं होती है नेशनल पार्क में। क्यों है वो, क्योंकि वो उनका क्या है प्राकृतिक पर्यावास है, जानवरों का वो एक नेचुरल हैबिटेशन है, वहाँ पे हम अपने आप को इंटरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका नेचुरल है। अब जैसे कि मान लीजिए शेर है, शेर छोड़िए चलिए हिरण है, हमने हिरण देखा, हम उसको अपना कुछ खाने पीने का सामान दे देंगे तो वो तो उसके स्वास्थ्य के उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो वही चीज़ है ऐसे ही है कि तो वो जो घूमने फिरने का वहाँ पे जो हमारे पास नेशनल जो पार्क है वहाँ हम घूम तो सकते हैं लेकिन कुछ सीमाओं के साथ, कि आप उतर नहीं सकते हैं, किसी जानवर के पास नहीं जा सकते हैं। चिड़ियाघर एक अलग चीज़ होती है, जू अलग होता है, नेशनल पार्क अलग होता है। हम एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, कितना क्षेत्र क्या होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ये हो गया होगा क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये तो ख़त्म ही कर दिया गया है 19F संपत्ति का अधिकार जो था, ये है 19G व्यवसाय करने का स्वतंत्रता। इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कहाँ पर लिखी हुई है, 19(6) में लिखी हुई है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है इसको लिख लीजिए, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है कि किसी व्यवसाय के लिए सरकार एलिजिबिलिटी घोषित कर सकती है, योग्यताएं निर्धारित कर सकती है। दूसरी रेस्ट्रिक्शन है इसमें कि सरकार किसी क्षेत्र पर अपनी मोनोपोली रख सकती है, एकाधिकार रख सकती है, जैसे कि रेलवे। और तीसरी रेस्ट्रिक्शन है इसमें कि जो व्यवसाय हो वही मोरालिटी शब्द आ जाता है कि नैतिक होना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द हमने पढ़ा था, कैसा व्यवसाय, अपनी रुचि का व्यवसाय। तो जब हम अपनी रुचि की बात करते हैं तो यहाँ है तो अपनी रुचि से व्यवसाय करने का अधिकार, लेकिन इन सीमाओं के साथ। जैसे कि अगर रेलवे की हम बात करें, रेलवे तो
तो रेलवे का सरकार ने क्या कर रखा है, अपना एकाधिकार कर रखा है। सरकार चाहे तो किसी प्राइवेट सेक्टर को उसमें इंक्लूड कर सकती है, समझ रहे ना। सरकार ने कैसे रेलवे परिवहन सरकार के अधीन है ना, उसमें प्राइवेट सेक्टर अब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मोनोपोली तो अभी भी सरकार की है, ठीक है। योग्यता निर्धारित कर सकते हैं, सरकार रोजगार लाती है ना, तो उसमें योग्यताएं होती हैं। और जैसे हमने अभी पिछले जब आर्टिकल समानता के अधिकार की हमने बात की थी, तब उसमें हमने क्या कहा था कि धार्मिक संस्थाओं में किसी पद के लिए उस धर्म विशेष के व्यक्ति को लाया जा सकता है, तो सरकार ऐसा भी कर सकती है। योग्यता ही तो हुई एक तरीके से कि आप अगर मंदिर में अपने पुजारी अगर हमें नियुक्त करना है, तो हो सकता है हमारी इच्छा हो कि वो हिंदू ही हो, उस धर्म के लोग चाहे वो हिंदू ही हो। ये शब्द आता है मोरलिटी। मोरलिटी क्या, हमारा व्यवसाय, हम कोई भी व्यवसाय अगर स्थापित करें तो वो क्या होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। जैसे वेश्यावृत्ति एक इमोरल है, आप ऐसा व्यवसाय स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि है तस्करी, एक इमोरल है, आप ऐसा व्यवसाय, अपनी रुचि शब्द तो है लेकिन मोरल भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि तस्करी हो गया, जैसे कि अंगों को बेचना है ना अवैध तरीके से, तो ये क्या इमोरल हुआ इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम आप समझ रहे होंगे मोरलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द आता है वेश्यावृत्ति, डिबेट आती है कि वेश्यावृत्ति अपनी रुचि का ही व्यवसाय है, ठीक है, लेकिन नहीं, लेकिन किसी को जबरदस्ती कोई कार्य करवाना वो इमोरल है, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अपनी रुचि तो ठीक है, लेकिन इमोरल भी नहीं होना चाहिए। ओके, जबरदस्ती नहीं, भाई इमोरली हो गया ना, किसी को आप दबाव, जबरदस्ती किसी भी तरीके से हो सकता है, उसको भय दिखा के, लालच दिखा के, किसी भी तरीके से। तो ये शब्द यहाँ पर समझ रहे होंगे। अच्छा, जो हमने बोला है कि दबाव है, जब हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे तब हम और क्लियर करेंगे कि जैसे एक आता है धर्म की स्वतंत्रता की बात होती है, जब आर्टिकल 25 से 28 हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहीं पर फिर आता है कि धर्म का प्रचार प्रसार तो होना चाहिए, लेकिन बलपूर्वक धर्मांतरण का अधिकार नहीं है आपके पास। बलपूर्वक धर्मांतरण, बलपूर्वक कैसे, बल कैसे, भय दिखा के भी हो सकता है, लालच दे के भी हो सकता है, या किसी का फायदा उठा के।